क्या कर रही हो बॉबी? अभी तो नहा कर आया हूँ, फिर से नहला दिया। बस बस, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सर्दी हो गई है। वही तो, बारिश में भीगने से सर्दी नहीं तो क्या कैंसर होगा? तो डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर को आप दिखाइए, वो भी दिमाग के डॉक्टर को। क्या? अरे सर्दी के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या? देखो बॉबी, सर्दी को ना मजाक में नहीं लेना चाहिए। अरे मजाक में नहीं ले रही हूँ, अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लूंगी, दोपहर को बाम लगाकर सो जाऊंगी तो शाम तक ठीक हो जाएगा। देखो तुम डॉक्टर को दिखाओ, मेरी बात मानो। अरे तुलसी का पत्ता खाना है तो खुद उगाओ और अपने पौधे का खाओ ना, हमारा पौधा क्यों चर रही हो? अरे नहीं मिश्राइन, उसको बहुत टाइम लगेगा। पापा जी ने मुझे अभी खाने को कहा है। क्यों, क्या कर दिया तुमने? किस बात की सजा दे रहे हैं चाचा जी तुम्हें? हा? अरे कोई सजा वजा नहीं है, ये तो हमें सर्दी खांसी हुई है ना, इसलिए पापा जी ने कहा कि ये तुलसी के पत्ते खाने से सर्दी ठीक हो जाएगी। अरे तो 5-10 पत्ते ही खाते हैं, पूरा पेड़ नहीं चर जाते हैं? अरे मिश्राइन, अब इतने पत्ते तोड़ ही लिए हैं तो खा ही लेते हैं ना। ऐता है बॉबी, मत का बहुत प्रसन्न है, जल्दी से पतोले बनाओ। क्या जीता, नतल उतार ले है मेरी, थन्ना साफ तो देती है, वो तभी भी किसी से भी नकल नहीं उतारते। अरे बॉबी नकल नहीं उतार रहे भाई, हमको लगा तुतला के तुम बच्ची बन रही हो तो सोचा हम भी बन जाए। अरे नहीं दीदा, वो मुंह में ताले पड़ते हैं ना, इसीलिए तुतला से बात कर रहे हैं। ओहो बॉबी, ऐसा है तुमको जो है एलर्जी हो गई है। अरे अभी हम तुमको गोली देते हैं, कैसी बातें करती तुमने भी। ये लो, ये खा लो तुम। अरे बहू बेटा, तुम ये गोबर के चक्कर न पड़ो, जाके डॉक्टर को दिखा के आओ। ऐसा है कोई जरूरत नहीं है, कानपुर के दरोगा है, बहुत रंगबाजी है हमारी। ए गोबर, रंगबाजी आदमी के ऊपर चलती है, बीमारी के ऊपर कोई रंगबाजी नहीं चलती है। खन्ना अंकल को देखो। खन्ना, वही तो। बिना बोले सब समझ जाते हैं। मम्मी आप कुछ बोलो, मतलब इशारा करो, मैं समझती हूँ। रोटी बाहर से, मतलब खाना बाहर से मंगवा ले। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे दादाजी बना लेते, एकदम फैंटास्टिक बनाते हैं। क्या ये भभूति, इसे मस्तक और गले पर लगाकर खा लेना, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ये लो पुत्री। अबे तू यहाँ साधु बन के क्या कर रहा है भाई? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, संन्यास लेने की सोच रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जेल से कब छूटे? जेल? अरे बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, लोगों को साधु बनकर सड़क पर जो है जादू दिखाता था, और इसके चेले चपाटे जो है लोगों की जो है वो पॉकेट मारते थे। अरे 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 अरे, बड़ी बुरी हालत है। इसलिए तो आपके पास आए हैं। अरे एक सेकंड चुप रहो ना। अरे आप लोग हालत बिगड़ने के बाद ही डॉक्टर के पास क्यों आते हैं? सर्दी थी, दो डोज में ठीक कर देता। अब आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट कंजेशन है, पूरे गले में रैशेस हैं, रैशेस, ये ठीक नहीं हो सकता। हा? क्या डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं सारी जिंदगी ऐसे मर्द की आवाज वाली औरत के साथ नहीं बिता सकता। वही तो, सब हंसेंगे मुझ पे। देखो ये मुझसे ठीक नहीं हो सकता, मुझे सीनियर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो बात चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं, फोन पे बात कीजिए ना, बात ही करनी है। ये कब पहुंचेगी चिट्ठी, कब नहीं पहुंचेगी? अरे फोन करूंगा। हाँ? ये मैं आपकी पत्नी के लिए टेस्ट और एक्सरे लिख रहा हूँ, इसे करवा करके सुबह रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आइए। बॉबी बेटा तो ठीक हो गई? बॉबी तो ठीक हो गई शिवाय, मैं बीमार हो गया हूँ। क्यों? क्यों क्या, बिल देखा है तुमने? और ये सब ना बॉबी की गलती के कारण हुआ है। नहीं भगवान दास, इसमें गलती तुम्हारी भी है, तुमने दिल से कोशिश नहीं की। शिवाय बॉबी जिद पे अड़ी थी। तो तुम भी जिद पर अड़ जाते भगवान दास।
मतलब जैसे तुम उसे बाद में डांट कर डॉक्टर के पास लेकर गए, तुम पहले भी लेके जा सकते।